ऑफ रोडिंग स्किल्स चेक किए जा रहे हैं। क्या हुआ? ये कह रहा 4x2 भी जाएगी, इसकी मेरी शर्त लगी है। देखा, फॉर्च्यूनर ही बिना रहा, लेजेंडर का बैंड बजी है, नहीं जाएगी ये, अटकी ये, अटकी, अटक गई। नहीं निकलेगी। अब मैं दूसरा ट्रैक ट्राई कर ले यार, वो थोड़ा सिंपल है। मेरा भाई बस ये वीडियो ना देखे। गाड़ी का भूत बना दिया हमने उसकी। अबे नॉर्मल में तो जा भाई। ओ माय गॉड, लेजेंडर कांट डू ऑफ रोडिंग। नहीं यार, बिल्कुल नहीं कर पा रही है ये, नॉर्मल में ही ठीक है ये। नहीं जाएगी, रहने दे। ऐसा है, तू शर्त हार चुका है, नॉर्मल रास्ते से आ जा। हाँ, ये नॉर्मल के ही लाया क्या, उसमें भी बैंड बज रहा है इसका तो। हार चुका है, गाड़ी बिल्कुल भी ऑफ रोडर के लायक नहीं है ये। 4x2 है, 4x2 कैपेबिलिटीज़ के साथ अच्छी है, लेकिन यार इतनी महंगी है, इतना एक्सपेंसिव इसका प्राइस है, 45 लाख में गाड़ी फंस जाती है, हे भगवान। अच्छा, हम इसको कश्मीर मनाली नहीं लेके गए, बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर जहाँ पे आपको ऑफ रोडर की ज़रूरत है। तो अगर आप ऑफ रोडर के शौकीन हैं, ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहिए, तो लेजेंडर मत खरीदना वैसे। नॉर्मल 4x4 फॉर्च्यूनर इज़ गुड। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ ना यार, के कम्फर्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली हमारी जो फॉर्च्यूनर है, तो लेजेंडर उस हर चीज़ में ना मतलब विनर है। कंफर्ट बहुत है, NVH लेवल्स तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको बिल्कुल नॉइज नाम की चीज़ नहीं है, आप गाड़ी में ड्राइव बहुत इन्जॉय करोगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ इसमें दी नहीं गई है, जब 4x4 है ही नहीं तो वो एक्सपेक्ट करना इज बुलशिट, तो बस देना चाहिए था, वैसे दे सकते थे। हाय, मैं ऊपर बकरियाँ दिखाई दी है मुझे, उनके पास जा रही हूँ। मैगी भी मिलती है यहाँ, मैगी मिलते है? आप रहते हो यहाँ पे, आपका घर है? बड़ी सुंदर जगह में रहते हो। नहीं, बहुत सुंदर है भाई, आप रहते हो ना इसलिए आपको नॉर्मल लग रही है, हम लोग तो इतना शोर शराबे में रहते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये। देखो ये जूं जूं ऐसे करके, किस चीज़ की आवाज़ आती है ये? अच्छा, ये पेड़ों की आवाज़? हाँ, जानवर होता है। अच्छा, जानवर होता है ना कोई? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये टाइम से बोलते हैं, ये बकरी का बच्चे है, ये कुछ करते तो नहीं है? बड़ी सॉफ्ट है वैसे। जेसीबी कैसे चलती है? तुम्हारे पास तो बड़े अच्छे अच्छे टॉयज हैं, है ना? ट्रैक्टर है? भाई मेरे को तो ये बात नहीं समझ आ रही, कितना क्यूट है। हेलीकॉप्टर, हाय। ये जगह बहुत प्यारी है और यहाँ के लोग बहुत ही सुपर क्यूट हैं, स्पेशली ये बच्चे छोटे छोटे, अच्छा है ना? जगह सच में जन्नत है भाई। क्या सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर है। मेरा मन कर रहा है ये बैल ही उतारूं, मैं ये हील्स उतारूं और भागूं इसके अंदर, करूं क्या ऐसा कुछ? ये इस जगह की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आप आराम से शांति से बैठिए, अपना 1-to-1 टाइम एंजॉय कीजिए अपने साथ, ज़्यादा भीड़ के साथ आने की ज़रूरत नहीं है।
नेचुरल ब्यूटी, बहुत प्यारी जगह है यार। यार ये ना जगह जो मैं यहाँ पे घूम रही हूँ इस टाइम पर, ये बहुत सुंदर सा बीच में एक हॉल्ट लिया है मैंने, हाटू मंदिर है ये, आगे उसके रास्ते में आता है नारकंडा में, तो आप आओ तो मस्ट विजिट प्लेस है ये। और मैगी भी है यहाँ पे, तो अब मैं मैगी खाऊंगी। इस गाड़ी ने चॉपसी करवा दिया आज तेरी। यार वो 4x2 है, तू 4x2 से 4x4 की उम्मीद क्यों कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ये कितना क्यूट है ना, कितना क्यूट है ना, कितना क्यूट क्यूट है, बहुत सॉफ्ट है ये। वो भी आगे आगे मुझे भी करो। एक गाय का बच्चा भी है, वो बहुत डरपोक है, बट है ना वो डरता है ना। मैगी खानी है, आ जाओ आओ खाएंगे। क्यों ठंडी है ले, आ जा आ जा आ जा। बहुत यम है, बहुत अच्छी आंटी, मस्त। मक्खन डाला या मैंने इनकी मैगी खाई जो सीरियसली अभी तक मैंने जितनी मैगी खाई है ना जितनी भी जगहों पर सबसे ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप आओ यहाँ पर तो ज़रूर ट्राई करना। उस मैगी का टेस्ट इतना चढ़ा मुझे कि मैंने इनसे पनीर बनवाया, ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना यम है। एंड सी द रोटी का साइज़, ये रोटी का साइज़ देखो भाई। पूरी घी में लोडेड है, मस्त। रुक नहीं पा रही मैं ऐसे खा रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश पनीर है ये, इन्होंने अपने यहीं पे अपनी गायें भैंसे बांध रखी है, वहीं से दूध से पनीर से बनी है ये, मस्त है यार। मतलब इतने 5 स्टार्स में खाना खा रखा है, बट इसका जो टेस्ट है अनकम्पेरेबल, अमेजिंग। अब फाइनली हम हाटू मंदिर जा रहे हैं। यार ये जो ना हाटू मंदिर का रास्ता है नारकंडा में, ये बहुत ज़्यादा नैरो है, हद से ज़्यादा नैरो है, और बिल्कुल टूटा फूटा रास्ता है। मतलब बारिश की वजह से हो गया या क्या हुआ है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप ड्राइविंग में ज़रा से भी टाइट हैं, आपके ड्राइविंग स्किल्स ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो या ड्राइवर के साथ या कैब में आइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, हैवी ड्राइवर है लाइक मी, हैवी ड्राइवर, तब तो लिया, फिर कोई टेंशन नहीं है, मैं तो मस्त चलाती हूँ। तेज कहाँ है, धीरे तो चला रही हूँ, डरपोक। देख हाटू मंदिर 1 किलोमीटर रह गया, अरे वाह, और रास्ता और खराब हो गया। हाटू मंदिर आ चुका है, इसकी एंट्री है यहाँ से, और थोड़ा सा वॉक करके जाना है। जगह देखो, जगह यार मुझे ठंड लग रही है, सच्ची में बहुत ठंड लग रही है, ज़्यादा लग रही है। भाई एंट्री यहीं से है, अच्छा अंदर नहीं आ सकते। किस चीज़ का मंदिर है हाटू, क्या चीज़ होती है? किसका? अच्छा काली माँ का मंदिर है, अच्छा। हमें ये जो प्रसाद है ना, ये वाला, ये सबसे टेस्टी लगता है। मेरा बेटा फूल ना तोड़े, HDFC बैंक की खास हिदायत है लोगों को। यस, HDFC बैंक को सबकी चिंता है।
एक बार आप लोन लेके तो देखो उनसे, फिर पता चलेगा। ये डोनेशन करके सब लिखवा क्यों देते हैं कि भाई हमने करवाया है? अरे लिखवा देते हैं लोग, कोई नहीं, उनको अच्छा लगता है। तूने बच्चों को तो डोनेशन दिया, दिखाया कहीं सर सेलिब्रेट करके छुट्टी? सबकी चॉइस है यार, किसी को दिखाना है किसी को नहीं दिखाना, आपकी श्रद्धा। मेन बात है कि काम होना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ तो करो भाई। अब नारकंडा में तो यार देख, इस मंदिर के अलावा कुछ है नहीं, और यही सबसे ज़्यादा प्यारी जगह है, सुंदर जगह है। इसके बाद एक झील है यहाँ पर, लेकिन मैं पहले गई भी हूँ वहाँ पे, इतना कुछ ऐसा खास नहीं है। अब चलते हैं वापस शिमला में, और शिमला में घूमेंगे माल रोड पे, ठीक है? वो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे यार। वो जो आगे है ना पॉइंट, वो है हाटू पीक। 3400 की हाइट पर आई है, तो वहाँ पे चलते हैं, उस एल्टीट्यूड पे देखते हैं जाके कितना सांस उखड़ता है हमारा। हाटू पीक है ये, हाइट है इसकी 3400 meters, यू आर एट 1152 feet हाइट। बहुत अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे खड़े हैं यार, सांस तो आ रहा है अभी, ऊपर चलते हैं। हाँ वाओ, इस खिड़की में से देख क्या है, देख वहाँ पे गाय कैसे कितने अच्छे से घास खा रही है। मैं ये सोच रही हूँ कितनी शांति है यार, शांति है बहुत अच्छी जगह है। तो चलो दोस्त, अब मैं थोड़ी देर इस साइलेंस को एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी रेस्ट कीजिए। अब मैं चलूँगी यहाँ से वापस शिमला की तरफ, तो अब शिमला में मिलते हैं आपसे। देख पैर अब मेरे फिसलने लगे हैं बैलेंस नहीं बन रहा पैरों का, हाय थक गए, मज़ा आ गया मगर। चलो चले वापस। ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब मैंने कीचड़ में गाड़ी घुसा दी है और सारे टायर गंदे कर चुकी हूँ मैं। यार ये गाड़ी ना घर जाने से पहले धुलवानी है, बस ये याद रखियो, नहीं तो मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। उसे मैंने बोला था कि बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आना, थोड़ा सा उसे नहीं पता गाड़ी शिमला जा चुकी है चलो जी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, यहाँ पे पकड़ रखते हैं अपना बैग, ये रहा मेरा लगेज, और ये है मेरा रूम, स्वीट सा है ना बड़ा। आप लोग भी रेस्ट कीजिए, मैं भी रेस्ट करती हूँ, कल फिर मिलते हैं, कल घूमेंगे, कल ही डिसाइड करेंगे, ठीक है? लव यू ऑल, बाय।